एक बात सुन लीजिए मेरी, ये बात प्रधानमंत्री आवास में शौचालय नहीं मिलता, कंफर्म है? शौचालय सड़कें कैसी आप देख के आए, नाली कैसी है? 2012 में जब आए थे मुख्यमंत्री साहब जो इस समय है, तो उन्होंने भी यही वादा करके गए थे यहाँ से, शौचालय भर दो, 8,000 रुपए मिलता है, आप गड्ढे खोदो पेट से भेजो, हम दे रहे हैं, बना हुआ है हमें उसको, आपने बोला बनवा के भी लेके आइए, फोटो खिंचवा के हमने उसको भी जमा किया है, चाहे भरवा के यहाँ जमा किया हुआ है, जमा किया गया ऑनलाइन प्रक्रिया थी, ऑनलाइन प्रक्रिया करवाई गई है। दो बात बस, हाँ सर, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, उसमें चायल विधायक जी के द्वारा थोड़ा पक्षपात हुआ, इस चीज को मैं मानता हूँ, सुन लीजिए, अधिकारियों को आपके गांव में लेकर इसीलिए आया हूँ ताकि ये यहाँ की सिचुएशन देख लें, पहली बात। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो विकास की बात नहीं हुई, आप ये बताओ हमारे क्षेत्र का इतना विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज आ गया, ये सयानों सर्किट हाउस, यहाँ कोई बाहरी काम करने आएगा क्या? हम ही लोग तो काम करेंगे यार, जब कोई बंदा गांव में रहेगा वो विदेश में जाएगा यार, गांवों की तो बात कर रहा हूँ कि यहीं के लोगों को तो रोजगार के लिए बात किया हूँ। नगर पालिका के कर्मचारी लोग कहाँ गए, अधिकारी लोग आपके? मैं तो अधिकारी को लेकर आए हैं, मैं तो गाँव पहले भी नहीं आया हूँ, तो आज आया हूँ, बता दिए जनता दर्शन में आइए ना, आप एप्लीकेशन लिख के किसके पास दिए हो? सभी के पास गए, मेरे पास दिए हो आप, रिसीविंग है उसका, फोटो आए, बात करो उसकी, रिसीविंग है कुछ, दिखाओ दिखाओ, आइए बढ़ते, अरे यार कल आपकी समस्या हल करा देंगे, उस ठीक है जी, कौन ऐसा सपा बसपा का विधायक रहा जो अधिकारी के लेके गांव में आ रहा है यार? सही बात है भाई साहब, इसीलिए आया हूँ ना, आप मंत्री की बात नहीं कर यार, आपकी समस्या सुनने आया हूँ ना, आपके बीच वही बात तो हम समस्या आपके बता रहे हैं, निदान तो हो गया, निदान कर रहा हूँ उसका तरीका, कोई दिक्कत नहीं है।